सन मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत दोस्तों, मेरा विक्रांत कुमार। आप जो है पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री तक आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट फोर की तरफ आ रहे हैं, त्रिकोणमिति में, और किरण बुक से चल रहे हैं। टोटल प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, हम आपको सोल्व कराएंगे। और देखिए आज मैंने क्वेश्चंस लिया है, टेन थीटा बराबर 4/3 है और पूछ रहा है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 10, तो देखिए ऐसा करते हैं 10, देखिए ऊपर और नीचे, यानी ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ cos से डिवाइड करते हैं। देखिए cos से डिवाइड देंगे 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos बाई cos डिवाइड 3 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई cos। देखिए ये से ये खत्म, ये देखिए ये 3, और देखिए इसका मीनिंग 10 और 10 का मीनिंग 4/3, तो 4/3 प्लस देखिए ये कितना 2 नीचे 3, 10 का वैल्यू 4/3 माइनस 2, देखिए ये कैंसिल आउट 4 और 2 6, 4 माइनस 2 यानी ऊपर 6/2, ये कितना 3। आप देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बता दिया, आपके बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको लगाएं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। चलिए मैं आगे देखता हूं, देखिए ध्यान से आप, तो सवाल में आगे लिख रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं एक सवाल जो ले रहा हूँ, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं आपको देखिए कैसे पूछता है, ये 56 नंबर सवाल है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4। सवाल पूछा जा रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इस सवाल को बच्चे बहुत सारे बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। अब क्रॉस करके साइन देखिए, जैसे मैं कर दे रहा हूँ, एक बार डिटेल समझा दे रहा हूँ। 4 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर साइन थीटा तो 5 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 5 cos थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, साइन को साइन की तरफ, कॉस को कॉस की तरफ। देखिए 4 है तो इधर जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि यहां बचेगा साइन थीटा। और देखिए ध्यान से ये आएगा तो कॉस प्लस में है और ये माइनस, इधर आएगा तो 9 cos थीटा। अब देखिए 9 यही रहने दीजिए, साइन बाई कॉस, यानी कि ये हो जाएगा 10। अब 10 थीटा का मान 9, यहां पूछ रहा है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 और 1 82 और 81 में से एक जाएगा 80, यानी 41/40, 2 से डिवाइड दीजिएगा आ जाएगा। लेकिन आप इस तरह से नहीं लगा सकते हैं, आप इसको लगाने के लिए मैं आपके पास जो बता रहा हूं, आप देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इसको ऐसा नहीं बनाऊंगा। देखिए आप कैसे बनाऊंगा, मैं ये आपके पास सीडी का यूज करता हूं। मैं सीडी का जो है, यानी कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी, यानी योगांतर निष्पत्ति हिंदी में बोला जाए तो, यार अंग्रेजी में बोला जाए तो कंपोनेंडो एंड डिविनेंडो। इसका मीनिंग है कि अगर देखिए ए ऊपर जोड़ रहे हैं तो नीचे एक बार घटा देंगे। देखिए ए में एक बार जोड़, तो देखिए सेम चीज सी प्लस डी सी माइनस डी। जरूरी नहीं है कि ऊपर, हम ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं तो नीचे प्लस, यानी कि जो ऐसा। तो देखिए सेम चीज है, ये सी डी लगा हुआ है, यानी ये ए है ये बी है। देखिए ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं सी डी, साइन बाई कॉस, इधर हटाए या इधर जोड़ेंगे, तो देखिए ऊपर जोड़ना है 5 और 4 9 और नीचे अंतर, तो 5 में से 4 जाएगा 1। अब देखिए एक ही बार में मेरे पास आ गया 10 का वैल्यू 9, तो 10 का वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 81 माइनस 1, यानी 82/80। आप देखो ध्यान से 41/40। इस तरह का सवाल मैं 2-3 और करवा दे रहा हूं ताकि आपका क्या हो जाएगा, आसान पूर्वक बन जाए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आवश्यकता नहीं है। आप कॉपी करो।
देखिए 82 नंबर सवाल हम चल रहे हैं। देखिए सेम टाइप का सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए सवाल जो है आपके पास आ रहे हैं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर बट्टा में है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 5/3। सवाल पूछ रहा है sin थीटा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप वैसे क्रॉस नहीं करना है आपको। देखिए सिंपल sec ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा tan और बराबर देखिए इधर जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर प्लस है 5 और 3 8 नीचे अंतर 2 5 में से 3 जाएगा 2 अब देखिए ये कट जाएगा 4। देखिए हमको पूछ रहा है साइन का तो ऐसा करते हैं 1/cos θ इसको और देखिए टेन को sin/cos θ। देखिए कॉस से कॉस खत्म होगा ये 4/1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1/sin θ है इसको मैं एक स्टेप रहा देता हूँ आपको और ये 4 है। देखिए क्रॉस जब कीजिएगा तो साइन इधर आ जाएगा और ये 4 बट्टा में आएगा यानी साइन थीटा का जो मान होगा आपके पास 1/4। आपको सबसे आसान है आप कॉपी करो। चलिए देखिए उसी सवाल में क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ में सवाल है जो आपको बहुत बढ़िया सवाल है, सेम है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए ऐसा पूछा है, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3। पूछ रहा है साइन के पावर 4θ माइनस कॉस के पावर 4θ। देखिए कैसे आप अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए साइन है ये तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए एक जोड़ेंगे 3 और 1 4 और नीचे अंतर क्योंकि देखिए माइनस है 3 में से गया 2 ये 2। देखिए ये 10 ये 10 का मान आ गया 2। अब कुछ नहीं है तो 1। अब देखो कैसे करेंगे, 10 में आपको बहुत पहले से पता है ये P है और ये B है, P और क्या है B। अब साइन तो साइन का जो मान होता है ये पहले लंब और नीचे कर्ण। देखिए लंब पता है तो यानी पहले पता है P स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर और ये H स्क्वायर। तो देखिए H स्क्वायर तो यानी H बराबर कितना √5। अब देखिए साइन के पावर है 4। देखिए पहले हमको कितना है लंब 2 और नीचे √5 और इसका पावर 4 माइनस। देखिए आधार कितना है 8 और नीचे √5 पावर 4। अब देखिए सिंपल, देखिए 2 के पावर 4 16 यानी 2 4 बार √5 देखिए 4 बार होगा। देखिए समझ लीजिए मैं इधर दिखा दे रहा हूँ √5 √5 √5 ऐसे हो 4 बार तो इसका मीनिंग 5 इसका मीनिंग 5 तो 5 × 5 = 25 माइनस 1/25 LCM 25 16 - 1 यानी 15 यानी 15/25। आप इसको काट दो 5 × 3 = 15 5 × 5 = 25 यानी 3/5 3/5 आप अंश मिलाओ 1 2 मैं आपके पास अभी और करवा रहा हूँ जो डिफिकल्ट टाइप के रहते हैं सवाल आप देखें। चलिए प्यारे बच्चों एक सवाल मैं और ले रहा हूँ। देखिए कैसे सवाल ले रहा हूँ मैं आप देखो। देखिए आपके पास जो सवाल चल रहे हैं थीटा प्लस टेन थीटा sec थीटा माइनस टेन थीटा 2 पूर्णांक 51/ऐसा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसको आप तोड़ सकते हो, तोड़ोगे तो इसका जो है देखिए 9 × 9 = 18 7 × 14 = 15 51 जोड़िए तो 9 = 20 यानी 209/79। अब देखिए ऐसा करते हैं ये देखिए ये है बी है देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ तक हो गया। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। देखिए नीचे लिख दे रहा हूँ मैं इसको तोड़ के भी 1/cos इसको sin/cos ठीक है। देखिए पहले जोड़ेंगे तो 9 × 9 = 18 हासिल 20 और 7 = 27 और 1 = 28 घटाइएगा देखिए 0 100 देखिए 9 में से 9 गया 0 20 में से 7 गया 130 209 - 79 130। अब देखिए cos से cos 1/sin
बराबर देखिए 288 बाई 130 क्रॉस कर दीजिए तो साइन थीटा हो जाएगा 130 ऊपर आ जाएगा और 288 नीचे, छोटा कर दीजिए दो से, 65 का डबल और इसका 144 यानी 65 बाई 144 ऑप्शन नंबर बी में है यानी 65 बाई 144। इस तरह का सवाल आप जहां भी मिले आप लगाएं और देखें कि किस तरह सवाल। अब चलिए हम लोग सवाल जो है आगे नेक्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक से शुरू करते हैं। देखिए दोबारा से ये एक क्वेश्चन नंबर, ये इस तरह का सवाल आपके बुकलेट में बहुत सारे हैं, मैं एक दो यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं बाकी आप बनाओगे। जैसे सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू कॉस 90 माइनस थीटा। सवाल पूछा जा रहा है कॉट थीटा का मान क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे इधर रख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट टू साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने बताया था 90 के रिस्पेक्ट में चेंज, तो साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस होगा साइन, तो यहां कॉस है कॉस तो साइन थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए साइन साइन एक तरफ ले आएंगे यानी कॉस रहने देंगे रूट टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे प्लस में है उधर ले जाऊंगा माइनस में। अब देखिए कॉस थीटा रूट टू जो है, देखिए साइन थीटा पहले मैं कॉमन ले लेता हूं रूट टू एक साइन बाहर हो जाएगा। अब देखिए साइन को बट्टा मिलाइए कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर रूट टू माइनस वन, आपको पता है कॉस बाई साइन कॉट और कॉट थीटा का जो मान है रूट टू माइनस वन। इस तरह का सवाल आपके बुकलेट में बहुत सारे हैं आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए टू में क्या पूछा जा रहा है आप बुकलेट में बनाइए, जिनको भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करें सर इतना नंबर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मैं उनका वीडियो बनाऊंगा ठीक है। देखिए सवाल नंबर टू है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर जीरो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा करो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा बात। अब देखिए दोनों जब थीटा बराबर होगा यानी एंगल 45 रखिएगा तो एलएच में मान बराबर और आरएच में मान बराबर होगा, तो देखिए 45 है तो sec 45 रूट टू और cosec 45 भी रूट टू, तो LHS भी बराबर RHS भी बराबर। देखिए इसका भी मान रूट टू प्लस देखिए सॉरी यहां पे 10 नहीं होगा cosec होगा। अब देखिए क्या करेंगे यहां, ये भी रूट टू तो रूट टू प्लस रूट टू कितना 2 रूट टू होगा ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर टू है, आप आगे देखिए मैं सारा क्वेश्चन आपके पास मैं सोल्व करा दूंगा ए टू जेड। चलिए तीन नंबर पे आते हैं, देखिए तीन नंबर पे क्या है, देखिए पी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री पी कॉस थीटा बराबर वन, पूछ रहा है पी का मान क्या है। देखिए पी का फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, देखिए पी का मान आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, देखिए कैसे साइन रख दीजिए रूट थ्री बाई टू सॉरी पी अब डायरेक्ट में सोच रहा हूं नहीं कॉस थीटा वन बाई पी। आप देखिए ये एक है ये दो है, एक में दो से भाग दीजिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखिए रूट थ्री बाई पी यहां भी वन बाई पी, देखिए पी से पी खत्म होगा साइन बाई कॉस टेन ये रूट थ्री और रूट थ्री का मीनिंग 60 डिग्री, देखिए टेन 60 देखिए आप क्या करेंगे डिग्री 60 तो यहां भी रख दीजिए तो कॉस 60 का मान 1/2 1/p तो p बराबर आ जाएगा 2। आप देखो इतना आवश्यकता नहीं आपके पास, आवश्यकता यही नहीं है क्योंकि मैंने बताया है कि p का मान, देखिए ऐसा सब मिटाता हूं मैं, देखिए सोचिए p का मान, देखिए p का मान जब बट्टा में लाएंगे और यहां भी लाएंगे देखिए रूट थ्री बाई तो रूट थ्री बाई टू यानी पी का मान टू यानी 60 डिग्री तो यहां भी रखेंगे 60 तो 2 यानी एल इसमें भी बराबर हो गया, इसमें भी यानी सिंप्लीफिकेशन में बराबर हो चुका यानी कि दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो चुका यानी पी का मान कितना 2 तो डिग्री में वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ठीक है। आगे लिखता हूं मैं सवाल,
चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर चार की तरफ जा रहे हैं। देखिए चार में क्या है, देखिए जो बता रहा हूं मैं कंसेप्ट उसमें बहुत सारे सवाल हैं। साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई, और ये पूछ रहा है टेन टू एक्स प्लस वाई इसका मान पूछा है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये साइन है ये कॉस है तो कोई एक को चेंज करते हैं, ये पूरा थीटा है तो ऐसा करें साइन जो है साइन, अब देखिए साइन को हम किसी में भी कोई को साइन को कॉस में लाइए या कॉस को साइन में लाइए। देखिए ऐसा करते हैं हम इसको साइन वालों को कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए ऐसा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस चेंज तो साइन में और 90 माइनस थीटा के बदले ये ही आ जाएगा बराबर कॉस 3x प्लस 3y। देखिए कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, 90 यही रहेगा बच्चों, देखिए माइनस वाला उधर जाएगा, देखिए 4x प्लस 4y क्यों हो रहा है, देखिए 3x है तो जाएगा ये माइनस तो वो भी। अब देखिए 90 2 कॉमन लीजिए 2x प्लस 2y, 2 से काटिए 45 तो देखिए 2x प्लस 2y, देखिए यहाँ पे tan 2x, देखिए tan, देखिए 2x प्लस 2y ये दोनों का मान कितना 45 तो tan 45 का मान जो रखिएगा प्यारे बच्चों वो कितना एक, यानी tan 45 का मान आपके पास कितना होगा एक। इस तरह का सवाल आपके बुकलेट में बहुत सारे हैं, आप बनाइए बहुत सारे बुकलेट में हैं। चलिए प्यारे बच्चों मैं सवाल जो है ए टू जेड करवा दूंगा, कुछ सवाल छोड़ता भी हूँ तो इसलिए छोड़ता हूँ कि वो कंसेप्ट अभी नहीं बताया है इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए घबराइएगा नहीं। मैं ए टू जेड आपका प्रोमिस किया हूँ तो ए टू जेड सवाल को मैं डिस्कस करूँगा, सिर्फ आपको पेशेंस बनाए रखना है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि यहाँ बेसिक भी कंसेप्ट दोनों चल रहे हैं। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर वन कॉस ए माइनस बी बराबर रूट थ्री बाई टू है, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है ए और बी, ऐसा दिया हुआ है ए बड़ा है बी से, यानी ए का जो मान है बी से बड़ा है तो रिलेशन पूछ रहा है ए और बी का मान क्या होंगे। देखिए एकदम बहुत आसान है, साइन ए प्लस बी यानी पूरा थीटा है वन, तो यानी साइन नब्बे का मान वन होता है। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग ए प्लस बी बराबर नब्बे, क्यों लिया क्योंकि देखिए ऐसे साइन ए प्लस बी साइन नब्बे कटा, सेम चीज ए माइनस बी, अब देखिए जब ए माइनस बी आ रहा है देखिए कॉस में ए रूट थ्री बाई टू तो रूट थ्री बाई टू जो है कितना डिग्री 30 डिग्री, तो देखिए 30 यानी अब देखिए प्लस माइनस काट दीजिए ए और ए 2a बराबर 120, देखिए काटेंगे ए का मान 60, देखिए ए का मान 60 आएगा, देखिए बी का मान क्या ऐसे होगा इसमें रखेंगे ए का मान 60 घटा देंगे तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना 30, यानी ए का एंगल 60 डिग्री और बी का एंगल कितना डिग्री 30 डिग्री। इस तरह का भी सवाल आपके बुकलेट में बहुत सारे हैं, आप बनाइए वहां से। चलिए प्यारे बच्चों मैं सवाल आपको करवा रहा हूं, अब देखिए अगला सवाल जो मैं आपके पास लिख रहा हूं, देखिए इस तरह का सवाल है, देखिए सवाल है टेन थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर रूट थ्री, इधर है सेक सेक है थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर टू बाई रूट थ्री है, देखिए टू बाई रूट थ्री है, देखिए ये पूरा थीटा है रूट थ्री तो थीटा वन प्लस थीटा टू तो देखिए रूट थ्री किसका मान 60 डिग्री का, तो यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू का मान कितना 60, देखिए सेक में 2 बाई रूट थ्री है, देखिए 2 बाई रूट थ्री तो अभी आपने पढ़ा है कि कॉस का मान रूट थ्री बाई टू है लेकिन सेक है तो बदल जाएगा, यानी कि थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर 30 डिग्री, देखिए काटेंगे सॉरी ये नहीं देखिए ये कटेगा तो 2 थीटा वन 90, ये थीटा वन से कट गया 45, यानी थीटा वन का मान 45 डिग्री और थीटा टू का मान जो आएगा वो कितना 15 डिग्री, कैसे देखिए यहाँ जब 45 रखेंगे तो इधर जाएगा तो 60 में से, सवाल आपके पास चेंजेबल फॉर्मेट है बाबू, साइन 2 थीटा वन प्लस टेन 3 थीटा टू है, अब देखो थीटा वन का मान कितना है
45, यहां 2 थीटा तो साइन 90 डिग्री प्लस 10 थीटा 2 15 या 45, इसका मान V1, इसका मान V1 एक और एक कितना 2। प्यारे बच्चों आप देखिए इस तरह का सवाल आपके बुकलेट में बहुत सारे हैं। देखिए रिपीट क्वेश्चन को मैं आपके पास डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हो सके जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस मारें। और देखिए सेम क्वेश्चन चल रहा है आपके बुकलेट में, आप मिलाते चलें, जिनके पास भी किरण का बुक है आप जरूर मिलाएं और देखें और अभ्यास करें। जिनको दोबारा स्पीड लग रहा होगा कृपया करके वो पीछे से रिवाइंड करेंगे और देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। चले प्यारे बच्चों देखिए एक सवाल मैंने लिखा है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल है 90, बीसी एसीबी, एबी जो है सी, पूछ रहा है टेन बी टेन सी। देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल जो बनाएंगे तो सबसे पहले ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में देखिए इसको नाम देते हैं ए बी और क्या सी। देखिए ये हो गया 90, ये दिया हुआ है क्योंकि सॉरी ए दिया हुआ, देखिए इसे ये है, इसको बी और इसको सी, ए दिया हुआ 90 डिग्री। अब देखिए सबका लेंथ दिया हुआ है बी सी, देखिए बी सी यहां पे बाबू ये ए रख दिया मैंने, ए सी बी और ए बी सी। आपको पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, यानी कि ऐसे कर सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एंड लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए टेन भी पूछ रहा है, तो हमने बताया था कि थीटा के सामने लंब होता है। देखिए टेन जानते होंगे लंब बाई क्या होता है, यानी कि पी बाई बी होता है, लेकिन ई एंगल कौन बोल रहा है बी। देखिए टेन यहां से लेंगे तो देखिए ये इसके सामने ये होगा लंब, तो लंब क्या है बी, यानी ये बी छोटा में, और आधार लेंगे तो जब लंब ये हो गया तो करनी है तो ये इसका आधार कौन सी। अब टेन सी है बाबू, तो टेन सी तो एंगल देखिए अब ये है, तो लंब कौन होगा सी, तो लंब ऊपर सी ऊपर और नीचे आधार, तो आधार कौन बी। अब सिंपलीफाई करना है प्यारे बच्चों, ये दोनों का एलसीएम बी सी, सी सी कटा बी और बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि बी से बी कटा सी, बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान देखिए निकाल चुके हैं ए स्क्वायर और नीचे बी सी, यही आपके पास ऑप्शंस में है। इस तरह का भी सवाल आपके बुकलेट में है, आप बनाएं, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप इस तरह के सवाल को हमेशा ध्यान रखें, मैं भी लेवल ए टू जेड में कोशिश करूंगा कि जितना कम से कम समय लें, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, उससे क्या हो कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। चलिए कल से मिलते हैं टाइप 5 में।